दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी कड़ी में आज वजीरपुर वार्ड नंबर 66 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चित्रा विद्यार्थी ने रैली निकाली, जिसमें क्षेत्रीय विधायक राजेश गुप्ता भी शामिल हुए। राजेश गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो गई है, जिस कारण जनता आम आदमी पार्टी को भारी मतों से वार्ड में जीत दिलाएगी। आम आदमी पार्टी भारी मतों से वार्ड में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में जीत रही है। आप प्रत्याशी चित्रा विद्यार्थी का कहना है कि जनता अगर मुझे जिताती है तो मैं इस वार्ड की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करूंगी और लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। अब यह तो आने वाली 7 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किसके सर पर जीत का सेहरा सजाती है। आपको दिखाई दे रहा है जबरदस्त एक तरफा है और ये वार्ड हम एक तरफा जीत रहे हैं। झाड़ू वाला बटन दबाना है एक तरफा जीत रही है पार्टी की प्रत्याशी वजीरपुर वार्ड नंबर 66 से। ये जनसलाब वही मैं कह रहा हूँ, जो मुझे माहौल दिख रहा है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कहता मुझे बता रहे हैं, तो बिल्कुल एक तरफा है हमारे काम। अगर आप पीछे भी देखे तो मेरा ही बोर्ड लगा हुआ है रोड को बनाने का। ये बस स्टैंड लगा हुआ है, जहाँ जाएंगे हर 50 मीटर पे केजरीवाल जी का और उनके माध्यम से मैंने जो काम करे हैं वो लोग जानते हैं। लोगों से मिलना जुलना इतना ज्यादा है कि अपना परिवार है सब, एक तरफा जीते। अब केजरीवाल जी की बारी है, हमारा जंग जारी रहेगा 4 तारीख तक और ये आगाज है कि IMCD में इस बार माननीय केजरीवाल जी की सरकार आ रही है और यहाँ से भ्रष्ट BJP सरकार को भगा दिया जाएगा और MCD सरकार, जनता का प्रचंड बहुमत, जनता के प्रचंड बहुमत से हम लोग आएंगे और MCD में भी इस बार केजरीवाल जी की सरकार आएगी।